नमस्ते, मैं हूँ राधेश्याम श्रेया। आज की जो रेसिपी है उसके पहले बेनिफिट्स जान लेते हैं। ये आप सारे इसके बेनिफिट्स देख लीजिए, इंटरेस्टिंग लगे ना, खूब सारे बेनिफिट्स हैं। आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ बेनिफिट्स के बारे में। ये जो शरबत जो हम आपको बताएंगे, या जो ये फ्रूट है जिसको हम लोग इंडियन बटर ट्री फ्रूट भी कहते हैं, ये सबसे पहले क्या करती है, रिड्यूस करती है फैटी एसिड के सिक्रीशन को और इंक्रीज करती है सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को, जिससे हमें खुशी मिलती है, हम लोग हैप्पीनेस फील करते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो चीज़ है, मैजिक जो मैं आपको बताऊंगी बाद में, वो आपके डिप्रेशन को दूर करने के काम आती है, आपको इंसोमनिया से छुट्टी देती है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। उसके अलावा जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको लगता है अरे हम लोग क्या पिए, हमें जूसेस बंद कर दिए, सब कुछ तो बंद कर दिया, अब हम क्या लें, सो ये जो चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ये अगर डायबिटिक पेशेंट्स पियेंगे तो उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है और इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। सो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है ये। इस ड्रिंक में इतना अच्छा फाइबर कंटेंट होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। तो जिन लोगों को भी फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ये वाला जो शरबत है, 1, 2, 3 बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। शरबत किसका बनेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो ये बहुत अच्छा वेट लॉस करता है। वेट लॉस अगर आपको नहीं भी करना तो पर फिर भी आपको फैट लॉस करना है, आपको विसरल फैट कंट्रोल में रखना होता है, मसल बिल्ड करना होता है, तो ये उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो मुझे बहुत पसंद है इसका फ़ायदा बच्चों के लिए, या फिर हम लोग जब बाहर से कहीं आते हैं तो हमें ये हीट स्ट्रोक से बचाता है। जो कई बार हम लोगों को हॉट फ्लैशेज होते हैं, हॉट फ्लैशेज मेनोपॉज के टाइम पर होते हैं, वो भी आपको आराम देता है। इसमें बहुत अच्छा विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और उसके अलावा हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, लोगों को माइग्रेन होता है बाहर धूप से आके, तो अगर आप ये पियेंगे तो आपको माइग्रेन भी नहीं होगा और हीट स्ट्रोक से भी बच जाएंगे। उसके अलावा एक ये बेस्ट ड्रिंक है जिनका भी एजिंग हो रहा है, आपको स्किन अच्छा चाहिए, इसमें इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है कि आपकी स्किन सच में बहुत शाइन करने वाली है। ये क्या है, ये है कोकम शरबत। कैसे बनेगा आप इसका विजुअल देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। हमें इसके लिए चाहिए ड्राई कोकम, तो ड्राई कोकम को आप सोक करेंगे। अगर आप सोक नहीं भी करना चाहते हैं, इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो आप कोकम को बस पानी में स्ट्रेट अवे भिगो दीजिए। सपोजिंगली अगर, क्योंकि ये खट्टे ज़्यादा होते हैं तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, और फिर 4 कप्स ऑफ वाटर आप उसमें बॉईल कर लेंगे उसको 10-15 मिनट्स के लिए। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसमें आपको क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा डालना है थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून, और आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप रॉक सॉल्ट मत डालिए, सॉल्ट के बिना आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। आप अमचूर का एक पाउडर डाल सकते हैं उसमें, वैसे तो खट्टास कोकम की बहुत होती है, पर अगर आपको और टैंगी फ्लेवर चाहिए तो वो डाल सकते हैं। बिलीव मी, इसका काला खट्टा वाला फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। इसमें आप चीनी तब यूज़ करें जब अगर आपको डायबिटीज़ या वेट लॉस का कोई कंसर्न नहीं है, अदरवाइज़ आप स्टीविया यूज़ करें इसमें, या शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, पर स्टीविया बेटर होती है शुगर फ्री से। बस आपको ये डाल के इसको थोड़ा सा और वेट करना है 10-15 मिनट के लिए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा स्ट्रेन करेंगे। छानने के बाद आपका शरबत तैयार है। 1 ग्लास में इसको डालिए, उसमें बर्फ़ डालिए, ठंडा पानी डालिए, मटकी का लेकिन प्लीज़, हाँ, इस शरबत को इन्जॉय कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, त्यौहारों में प्लीज़ लोगों को कोल्ड ड्रिंक मत सर्व करना, अतिथि देवो भव, उनके डाइजेशन का ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए। और ये कोकम भरपूर विटामिन सी देता है उनको भी, जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, सो एसिडिटी भी नहीं होती है, हार्ट बर्न भी नहीं होता है। इतना अच्छा तो शरबत है, ईजी है, चीप है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन लिंक डाल दिया है, वहाँ पर आप देख लीजिए और ले लीजिए। थैंक यू।